হৈ গল, এনে গোটেই অসম লবই, আমিও লব নিদিওঁ, হৈ গল, আমিও লব। তো এক শুদ্ধ সনাতনী হোনে কা নাতে মে মুসলমান কা ভালা সোচতা হুঁ, ইসিলিয়ে মে সোচতা হুঁ কি মাদ্রাসা কা বন্ধ হো জানা চাহিয়ে। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि वैसे तो भारत के अंदर इस्लामिक आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और साथ ही साथ भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर शांति दूतों की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन बात की जाए भारत के कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जहाँ पर इस्लामिक आबादी हद से ज़्यादा है, या यूँ कहें कि इन क्षेत्रों के अंदर इस्लामिक आबादी पूरी तरह से हिंदुओं को खत्म करने की कागार पर है, जिनमें से मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल, केरल और असम जैसे राज्य हैं। लेकिन आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि असम, जहां पर मुस्लिम आबादी लगभग 30% से भी ज़्यादा है, वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके कारण से वहां पर शांति दूतों को अपना घर बार छोड़ करके भागना पड़ रहा है। और यूँ कहें कि असम के अंदर से शांति दूत धीरे धीरे दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हिमंता बिश्व शर्मा जब से CM बने हैं, उन्होंने असम को बदलने की ठान ली है और साथ ही साथ इस चीज़ का निश्चय किया है कि उन्हें किसी भी प्रकार से असम को एक बांग्लादेशी या यूं कहें कि मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देना। यही कारण है कि जब से हिमंता बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने असम के अंदर अवैध बांग्लादेशी लोगों पर बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, हिमंता बिश्व शर्मा एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि खुल करके इस्लाम और मुस्लिम लोगों पर अपने विचार रखते हैं और इस बात को कहते हैं कि वो कभी भी असम को एक मुस्लिम राज्य नहीं बनने देंगे। वो खुल करके इस बात को कहते हैं कि किस प्रकार से पिछली सरकारों ने तुष्टिकरण के कारण असम के अंदर इस्लामिक आबादी को बढ़ाया और किस प्रकार से यहाँ के हिंदुओं का शोषण हुआ और किस प्रकार से असम की ज़मीनों पर अवैध तरीके से इस्लामिक लोगों को बिठा दिया गया। दोस्तों, हिमंता बिश्व शर्मा एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि खुल करके मदरसों से लेकर के मुसलमानों पर अपने विचार रखते हैं और इस बात को कहते हैं कि वो असम को हमेशा ही हिंदुओं की धरती बनाए रखेंगे और यहाँ पर कभी भी मुस्लिम लोगों का राज नहीं होने देंगे जब तक कि वो जिंदा है। दोस्तों, आप लोगों का हिमंता बिश्व शर्मा के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।